वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए आज आपके साथ एक अत्यंत रोचक विषय जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त सी जानकारियां मैं आपके साथ जिक्र करने का इच्छुक हूँ बच्चों, वो है एडिटर्स। ये एडिटर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो एडिटर्स यहाँ मैं ले रहा हूँ वो आपका, मैं ले रहा हूँ वेब डेवलपमेंट के संदर्भ में बात हो रही है। तो देखिए बच्चों, एडिटर्स क्या हैं ये? इट इज काइंड, या आप कह लो कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बच्चों ये क्या है? ये एक प्रकार के कैटेगरी है सॉफ्टवेयर्स की, विच इज यूज टू क्रिएट फाइल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। बच्चों एडिटर्स होते क्या हैं? एडिटर्स एक प्रकार के वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार की फाइलों को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल बनाना नहीं है, नॉट ओनली क्रिएट, आप यूजिंग एडिटर्स आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, आप उसको बच्चों एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, आप फाइल में कोई कंटेंट को फाइंड कर सकते हो। फाइंड माने होता है खोजना, और फाइंड करने के बाद आप उस कंटेंट को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे कंटेंट से। यानी बच्चों एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप विभिन्न प्रकार के कार्यों को या टास्क को बच्चों मैनिपुलेट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। फाइल के ऊपर लगभग वो सारे कार्य जो आप सोच सकते हैं वो सब यूजिंग एडिटर्स बच्चों संभव है, बनाए जा सकते हैं। मुद्दा यह है कितने प्रकार के एडिटर्स यूज होते हैं बच्चों। तो अब आइए, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ एडिटर्स। ये क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और फाइल द एडिटर कैन प्रोसेस, वी कैन क्लासिफाई इट इंटू फॉलोइंग टाइप्स। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझ लीजिए। आप कितने प्रकार के एडिटर होते हैं ये कैसे समझाएंगे या कैसे जानेंगे? तो मुद्दा यह है कि जितने प्रकार की सूचनाओं को एडिटर्स प्रोसेस करते हैं या एडिटर्स हैंडल करते हैं बच्चों, उस आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि एडिटर कितने प्रकार के होते हैं। आओ एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपको बताता हूं कि कितने प्रकार के एडिटर्स हम बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ एडिटर देखिएगा सब लोग, जिसमें सबसे पहला मैं बात करूंगा टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल लेना चाहो तो तुम्हारे हो सकते हैं नोटपैड,
नोटपैड प्लस प्लस सबलाइन टेक्स्ट, एक और हो सकता है ब्रैकेट्स, आपका एक और है बच्चों वीएस कोड, ऐसे न जाने और कितने एडिटर हैं। टेक्स्ट एडिटर के बाद एक बड़ा पॉपुलर एडिटर कैटेगरी है जिसे हम लोग कहते हैं इमेज एडिटर। कौन से एडिटर बच्चों? इमेज। इमेज एडिटर में मेनली जो है सबसे पॉपुलर वो एडोब का फोटो शॉप, या दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट का पिक्चर मैनेजर। आप बात करेंगे बच्चों वीडियो एडिटर में, तो आपके कुछ पॉपुलर एडिटर्स के नाम है फिल्मोरा, ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एक है तुम्हारा कैनवा, ये भी आपका क्या है? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और ना जाने इस प्रकार से और कितने ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एडिटिंग की कैटेगरी में आते हैं। मैंने सिर्फ तीन टाइप के एडिटर्स का अभी जिक्र किया है, और भी कैटेगरीज बच्चों हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इतने पे ही समझा जाए। तो साहब कितने प्रकार के एडिटर की मैं बात कर रहा हूं? तीन प्रकार के एडिटर की मैंने बात की, टेक्स्ट एडिटर, इमेज एडिटर, वीडियो एडिटर। टेक्स्ट एडिटर किसे कहेंगे? ऐसे सॉफ्टवेयर्स या वो कैटेगरी आपके सॉफ्टवेयर की जो बच्चों जो आपके टेक्स्ट फाइल पे हैंडल करे। तो आइए मैं हेडिंग डालता हूं टेक्स्ट एडिटर और वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए द सॉफ्टवेयर दैट कैन हैंडल टेक्स्ट फाइल्स, उन्हें आप क्या कहेंगे? आर कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। अब सबसे पहला पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर आपका था नोटपैड, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है और ये विंडोज के साथ आपका बाय डिफॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, जिसकी मदद से आप लोग बच्चों आसानी से टेक्स्ट एडिटिंग सर्विसेज, टेक्स्ट एडिटिंग रिलेटेड वर्क, टेक्स्ट एडिटिंग रिलेटेड कार्य कर सकते हो। नोटपैड वन ऑफ द मोस्ट जनरल टेक्स्ट एडिटर, लेकिन नोटपैड की प्रॉब्लम क्या है? ये थोड़ा सिंपल है, इसके फीचर्स बच्चों लिमिटेड हैं। नोटपैड के बाद आज के समय में जो एक बड़ा ही पॉपुलर एडिटर है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है नोटपैड प्लस प्लस। ये कैसा सॉफ्टवेयर है बच्चों? ये आपका आप कह सकते हैं फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? नोटपैड प्लस प्लस, जो आपको बच्चों प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स मिनी एडवांस फीचर्स। जैसे कि क्या क्या एडवांस फीचर्स? नंबर वन, ऑटो कंप्लीट, नंबर दो सिंटैक्स, फोल्डिंग। ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या है कि एक बार आपने कोई चीज टाइप कर दी, सपोज आपने स्क्रीन पर एक बार आपने कुछ टाइप कर दिया और उसके बाद दोबारा वही वर्ड आप टाइप करेंगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइप करोगे ऑटोमेटिक
बच्चों वो कंप्लीट हो जाता है। सिंटेक्स फोल्डिंग, आप एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं अपने कोड को। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है नोटपैड प्लस प्लस का बच्चों, कि ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि साहब आप इसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यू डो नॉट हैव टू पे एनी रुपीज, एनी मनी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको ओरिजिनल वर्जन मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इट सपोर्ट्स मोर देन 40 प्लस लैंग्वेजेस, यानी ये 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज को, जिसमें सी को, सी प्लस प्लस को, जावा को, पाइथन को, एचटीएमएल को, कोबोल को, बेसिक को और न जाने कितनी अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यार अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है से क्या मतलब है कि आप इनमें से किसी भी लैंग्वेजेस की फाइल को, किसी भी प्रकार की फाइल को बच्चों आप बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं बाय यूजिंग तुम्हारे किसके द्वारा, नोटपैड प्लस प्लस के द्वारा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत सारे कोर्सेज लाइक ओ लेवल कोर्स में जो हम लोग वेब डिजाइनिंग का पेपर पढ़ाते हैं, जिसमें HTML, CSS और JavaScript के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोडिंग की जाती है, वो आपका इसी नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर से हम लोग जनरली करते हैं। वैसे और भी सॉफ्टवेयर है इसके अलावा आपका बच्चों, एक और सॉफ्टवेयर है आपका टेक्स्ट एडिटर में, वो है सबलाइम। क्या है सबलाइम टेक्स्ट, ये एक और दूसरा बच्चों आपका टेक्स्ट एडिटर है और इसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से, इंटरनेट से, वेबसाइट है सबलाइम टेक्स्ट नाम की, आप बच्चों उसी से डाउनलोड कर सकते हो। यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, आपको एक भी पैसा बच्चों देने की, प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबलाइम टेक्स्ट हो गया। और बच्चों इसकी एक खासियत और है जिसको कहा जाता है टैब्ड एडिटिंग। टैब्ड एडिटिंग का मतलब क्या है कि यू कैन ओपन, आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ओपन कर सकते हैं मल्टीपल फाइल्स इनटू कहां पर, डिफरेंट टैब्स। और डिफरेंट टैब्स में ओपन करके बच्चों आप उसको उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में आपको कुछ आइडिया निश्चित तौर पे मिल गया होगा। इसके बाद दूसरा जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट एडिटर है बच्चों, जिसको कहा जाता है इमेज की प्रोसेसिंग, इमेज एडिटर। इमेज एडिटर वो होते हैं दैट कैन अल्टर, अल्टर माने होता है बदलना, या प्रोसेस ऑन इमेज। वो एडिटर्स बच्चों जो परिवर्तन या प्रोसेस करते हैं इमेज पर, उन्हें ही हम इमेज एडिटर कहते हैं। सबसे पॉपुलर है आपका एडोब का फोटोशॉप। इस एडोब फोटोशॉप में बच्चों इमेज को प्रोसेस करने के लिए वेरियस टूल्स मिलते हैं, आपके लेयर्स का कॉन्सेप्ट है, आपके इमेज को फिल्टर कर सकते हैं आप इमेज को बच्चों कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कुल मिला जुला के इमेज में ब्राइटनेस, इमेज में कंट्रास्ट, ये सब करके आप बच्चों अपने इमेज को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि इमेज एडिटर एक क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है
और एडोब उसमें विशेष तौर से प्रोफेशनल्स के द्वारा बच्चों यूज किया जाता है, लेकिन एडोब आपका फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपको तभी मिलेगा जब आप पे करेंगे, तब आपको एडोब एक्रोबैट, आप जानते हैं एडोब कंपनी है जो एडोब के और भी फीचर और भी सॉफ्टवेयर है, एडोब एडोब का कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, फोटोशॉप, ये सब परचेज्ड वाले सॉफ्टवेयर है। अगर आपको जेन्युइन वर्क करना है, अगर आपको रियल वर्क करना है, प्रोफेशनल वर्क करना है सर, तो आपको इनको परचेज करना पड़ेगा, इंटरनेट से नहीं मिलेगा। और अगर कोई कहता है कि हेलो भाई हमसे ले लो, तो वो क्रैक वर्जन मिलेगा, वो आपको जो वर्जन मिलेगा वो क्रैक वर्जन मिलेगा, तो उसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता, मेरा मतलब मेरा से मतलब कोई नहीं ले सकता। और दूसरा जो इमेज एडिटर है बच्चों, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, पिक्चर मैनेजर। ये भी एक अच्छा एडिटर है घरेलू यूज के लिए, नॉर्मल यूज के लिए मुझे लगता है पिक्चर मैनेजर बहुत बढ़िया है, प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं। नॉर्मल थोड़ा बहुत इमेज पर काम करना है, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करनी है, उसको बेहतर बनाना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, कंट्रास्ट करना है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, क्रॉप करना है, अच्छा है। अब इसके बाद तीसरी जो इमेज एडिटर की कैटेगरी है बच्चों, वो है आपका वीडियो एडिटर। ये कैसे सॉफ्टवेयर होता है, दे कैन प्रोसेस ऑन वीडियो। ये बच्चों प्रोसेस किस पर करते हैं आप?